सही है, गेले करो बहुत हाँ गेर राखी होंगी मेरी तो है। और क्या, मंदिर मंदिर आई ही, मंदिर आके जो है हम बैठे बात कर रहे हैं, मन लग रहा चोखो। वैसे कौन आ रहे हैं? यही बैठ गए हाँ, आज बखत काम मिली मटका और का, इनके खाना वाना बनेगा, अब खाने डेट बन लगे सबके सबके आटो आटो गूंद का। सही है, वैसे नहा धो के जाओ ना, बखत नहीं, मैं भी बखत नहीं मटी जा सुबह, तो अब सारा काम करके नहीं लग दी ना, अब काम करो। अब मेरी एक तो मंदिर चले जा, थोड़ी मन को सहमती रहे। सही बात, वो तो है ही, मंदिर में चलेगी भाई वो आदमी बृहस्पति वाले दिन। अरे पंडित जी देखा, हाँ देरी ही है। अब फिर मैं आई तो फिर थोड़ी मैं हूँ किसी ने घेर ली, दो तीन बात करी, बाज के थोड़ा टाइम लग गो, जैसे अपने लग गो, फिर मैं कही ले के पंडित को दक्षिणा तनी सार तम देरी। अच्छा भैया वो तो पंडित ही ना मिलो मुझे, तो फिर 9-10 बजे जाने कह रहे, वे जब ही लेकर 11 बजे का टाइम। अब मोह है वो जो है ना, वे पतली सी जो है, तो वे के वे आई साड़ी लेने के मुंह पे, टाइम तो मैंने ना देखा, पर भाई वो तो मैं तो गई तो पंडित को भी ना मिलो मन उसी है नेट की या चाहिए स्टॉर्म स्टोन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बनाया मैंने लाचा, या मैं जो ना ऐसी वो बाकी चाहिए ऐसी ले आ लो 2 मीटर है और। हाँ वो एक तो कहीं जाए जा, कहीं जाऊंगी ना जब लाई है ना आई मिल जाएगी, आई मेरे लिए चुनी 2 मीटर में लेस लगा दूंगी। ये तो वापस लाई हूँ जो बंद कर दी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह सुबह देख सकते हैं एक नई ड्रेस जो मैंने तनिषा के लिए भी बनाई है और मैंने अपने नापे की बना रखी है, तनिषा भी फिटिंग कर पहन सकती है अच्छे से। और कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट में। और इसी तरह मैं हर बार एक ड्रेस तैयार करती हूँ जब भी मेरा मन करता है। और फ्रेंड्स, अब की बार मैंने जो है डिजाइन दिया है, बाजू में भी दिया है और पीछे गले में भी दिया है, दोनों तरफ डिजाइन दिए ताकि और भी सुंदर लगे हमारी ड्रेस। और ये वाली ड्रेस भी आपने देख ली होगी, मैंने अभी वीडियो में डाली थी पिछली वाली में, और एक कोकोला वाली ड्रेस और एक ये पीले वाली ड्रेस, तो दो ड्रेस बनाई है मैंने। और इसी तरह जो है जब भी कभी आप चाहें तो बना सकते हैं इसी तरह। तो फ्रेंड्स, शाम का समय और हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। हमने सोचा आज पिज़्ज़ा बनाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने 2 थैली डाली है जो है दही, और इसमें 1 चम्मच डाला रिफाइंड, उसमें बेकिंग सोडा, सोडा खाने वाला, और चीनी डाली है। यहाँ पर जो है 1/2 किलो प्याज काटी है, 1/2 किलो शिमला मिर्च काटी है, और सारे जो है रेडी हो गए सामान हमारे। और देखिए डो एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बना है। 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने 1/2 किलो टमाटर लिए हैं और 1 मुट्ठी लिए है हमने लाल मिर्च, तो उन्हें अच्छे से उबाल लिया है। इसकी बनाएंगे तीखी सी चटनी। मोजरेला जो चीज़ रहे, अच्छा ये मिली है, ये कितने की? एक क्यूब भी है सलाई से, तो सलाई 140 की। अच्छा, तो फ्रेंड्स सब मिलकर लग रहे हैं पिज़्ज़ा की तैयारी पे, और प्रशांत जो है चीज़ ले आया है क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है पिज़्ज़ा में डालनी। तो चलिए सारा सामान हमने रेडी कर लिया है और देखिए कैसे बनता है हमारा ये पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, जब हम डो मांड रहे थे तो आपने देखा था आटा कैसा मंढा हुआ है, और इस तरह का आटा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मंढा है। इसमें रिफाइंड दही और बेकिंग सोडा, चीनी, और हमने यहाँ पर खाने वाला सोडा भी डाला है, तो आटा बहुत ही बढ़िया मंढा। और देख सकते हैं फीलिंग, मैंने जो है सारी रोटी बना दी है, लेयर बना दी है मतलब पिज़्ज़ा की, और यहाँ पर विवेक उसे गार्निश कर रहा है यानी तैयारी कर रहा है पिज़्ज़े की। तो इसमें हमने साइड में जो है मंगौड़ी लगा दी है, ये हमारी टमाटर और जो है लहसुन प्याज की चटनी है जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है छौंकने के बाद, और यहाँ पर जो है बिल्कुल रेडी इस तरह पिज़्ज़ा होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा घर का पिज़्ज़ा। कई बार बना चुके हैं, वीडियो में भी दिखा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पिज़्ज़ा की जो रोटी भी वो भी तैयार है, और लेयर देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो है प्याज की और लहसुन की चटनी तीखी वाली, और ये हमने डाली है यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज, इसे हल्के से हमने फ्राई कर लिया है, उसके बाद डाल रहे हैं। और देख सकते हैं हमने बनाए हैं 6 पिज़्ज़ा घर के, बढ़िया और टेस्टी और एकदम तरोताज़ा। यहाँ पर चीज़ भी आ गई है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लगे खाने में, यानी बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी बताना कैसे बने हैं हमारे पिज़्ज़ा, और चलिए चीज़ भी डाल देते हैं और अवन में पकाने के लिए रख देते हैं। 3 तरह के अवन में हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार किया, आप देखना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिज़्ज़ा हो गया तैयार घर पर बनाया हुआ और बहुत ही टेस्टी है। और नीचे की लेयर भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स लेयर देखिए कितनी बढ़िया है और बिल्कुल बढ़िया हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तैयार हो गया है। अब पीछे से बहुत टॉप है क्या? इधर मंगौड़ी वाली लेयर भर रही है। वाह एकदम तीखा चटपटा बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर हमने जल्दी बनाने के लिए कढ़ाई में पिज्जा बना दिया है। वाह चीज देखिए कैसे एकदम मेल्ट हो रही बढ़िया। और चलिए सटक देते हैं और अब इसमें देखिए वाह ये वाला भी हमने अभी रखा है। तो एक पिज्जा टेस्ट कर लिया है बहुत टेस्ट लग रहा है और बाकी पांच पिज्जा हो रहे हैं तैयार। दो इसमें हो रहे एक है ये वाला पिज्जा देखिए तो चीज पिज्जा रेडी है और मेहनत चल रही है बढ़िया रात के समय में फिर बैठ के खाएंगे आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारे पिज्जा पर ही है। तो चलिए आप भी देख सकते हैं किस तरह पिज्जा बनाया हमने और हम भी देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं मेहनत और वसूल हो जाएगी हमारी। और चलिए इतने अंदर बैठ कर थोड़ा सा टीवी देखते हैं इतने ये रेडी होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चार पिज्जा रेडी हो चुके हैं देखिए घर के बने हुए चीज पिज्जा और इसमें जो फिलिंग डाली है वो है मंगौड़ी प्याज और शिमला मिर्च और हमारी लाल सॉस और ये हमारी छोटी छोटी मटकियाँ इसमें हमने ये हमारी जो रखे हैं इसमें लाल सॉस रखी है चिली सॉस रखी है और रेडी हो चुके हैं हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी यानी बहुत ही बढ़िया लाजवाब पिज़्ज़ा। तो चलिए खाने की तैयारी करने जा रहे हैं लेकिन अभी एक पिज़्ज़ा जो है ना बाकी है बना हुआ उसके बाद जो है खाएंगे। तो चलिए सबके लिए एक एक पिज्जा है क्योंकि हम पांच मेंबर हैं तो पांच पिज्जा है तो बस आज पिज्जा की पार्टी है हमारे घर की खुद की बनाई हुई अपने हाथों से मेहनत करे हुआ घर का पिज्जा। तो चलिए बच्चे भी और हम भी खाते हैं और आप भी आइए हमारी इस दावत पे। वाओ क्या लाजवाब पिज्जा है और कितने अच्छे से बेक हुए हैं और यहाँ पर हमारी चटनी भी है साथ के साथ खाइए और बनाइए। तो फ्रेंड्स पांच पिज्जा घर पर बनाए हैं और पूरी मेहनत हमारी सबकी लगी हुई है और चलिए दिखा देते हैं आप। तो फ्रेंड्स पांच पिज्जा तो आपने देख ली हैं और एक ये वाला भी है छह पिज्जा बनाए हमने। तो चलिए करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स तनिषा का रिजल्ट आ गया है 12वीं का तो उस पर हमने यहाँ पर पिज्जा पार्टी करी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्लाइस काट लिए हैं और एक जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं सारे मिलकर। खाना नहीं खाएंगे आज पिज़्ज़ा की पार्टी होगी मैच देखते हुए। तो फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग मैंने इसी में जोड़ दिया है और सुबह का टाइम और मैं पूजा करने जा रही हूँ तो मैं गुड़हल का फूल तोड़ रही हूँ सुबह की पहली कली जो खिली है। तो फ्रेंड्स शिवजी महाराज की जोत लगा दी मैंने। और ये गुड़हल का फूल मैं ले जा रही हूँ अंदर। हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह लगा दी मैंने जोत अभी 6:30 बजे हैं 6:32 और जोत हमारी लग चुकी है। मैं नहा ली हूँ और झाड़ू मैंने लगा दी थी बाहर भी अंदर भी छिड़काव भी कर दिया और चाय बनाने जाऊंगी अभी और जोत मेरी लग चुकी है। सुबह सुबह मैंने सोचा कि आज ना बखर जोत लगा दूं तो ये फूल खिल गया है और इसे मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी के मंदिर में। जय लक्ष्मी मैया। तो खूब अच्छे से पूजा कर ली है मैं सब चाय की तैयारी करूंगी। बखर नहा लेते हैं ना तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है एकदम सुकून महसूस हो रहा है और कोशिश ये करती हूँ बखर जग जाऊँ। और 5:30 बजे उठी थी मैं और अब जो है नाश्ते की तैयारी तो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फैन रखे हैं और पिज़्ज़ा रखा था रात हमने बनाया था पिज़्ज़ा और अब सो पूजा कर लिए तो उसे ओवन में सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स पिज़्ज़ा को ओवन में सेक लेंगे और चाय के साथ उसे ही खाएंगे। तो चलिए मैं तो सुबह सुबह
बस चाय पीऊंगी और पिज़्ज़ा को बाद में खाएंगे। और दस बजे से मौसम क्लीनिंग एकदम बढ़िया, सुबह से हो जाती है तो मन लगता है। तो चलिए चाय की तैयारी कर लेती फटाफट। तो फ्रेंड्स सही समय से उठ जाते हैं और अपने आराम से काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 10 बजे करीब बनाएंगे खिचड़ी बच्चों के लिए, क्योंकि आज रात ही सोच लिया था मैंने खिचड़ी बनानी है। तो फ्रेंड्स हमारे घर की सुबह सुबह की हरियाली और मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है इन्हें देखती रहूं। और कुछ मैंने नए पौधे भी बोए हैं। तो फ्रेंड्स रात हमने पिज़्ज़ा बनाए थे तो हमारे एक पिज़्ज़ा बच गया, तो हमने उसे यहाँ पर ओवन में गर्म कर लिया है और खा लिया है। बहुत टेस्टी लग रहा है और देख सकते हैं ये एकदम गर्म गर्म ओवन में गर्म हो चुका है और खा लिया हमने। नाश्ते की जो है अच्छी तैयारी हो गई, सुबह चाय पी ली थी फ्रेंड्स, तो अब जो है पिज़्ज़ा खा लिया है और बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि रात ही सोच लिया था कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएंगे। और मैं कर रही सिलाई इधर, एक ब्लाउज आया सिलने के लिए, तो साथ के साथ मैंने रात ही कटिंग कर लिया और अब जो है सिलने जा रही हूँ। तो चलिए सिल लेते हैं और लग जाते अपने सुबह सुबह कामों में। और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। तनिषा लग रहा ना बढ़िया, और फिर शाम लग रहा लैपटॉप पे।